मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के दिन मैं चैप्टर दक्षिण पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है समझने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको मैथ के माध्यम से पूरा टाइप चरण के हिसाब से समझाऊंगा। बेसिकली ये चार चरणों में किया गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। सबसे पहले इसमें फोकस करते हैं हम पूर्वी समस्या या बाल्कन समस्या, बाल्कन पूर्वी समस्या या बाल्कन समस्या क्या थी, है ना। 19वीं और 20वीं शताब्दी के में दक्षिण पूर्वी जो यूरोप था, दक्षिण पूर्वी यूरोप मतलब यूरोप का पूर्वी वाला हिस्सा, है ना, में कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी, राजनीतिक अस्थिरता, उसी संदर्भ में पूर्वी समस्या शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ क्या जोड़ तोड़ की राजनीति होना शुरू हो जाती है, और उस राजनीति के परिणाम स्वरूप यूरोप का जो स्ट्रक्चर है वह समुच्चय स्ट्रक्चर धीमे धीमे चेंज होने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों में लोकतंत्र की भावना को, लोकतंत्र की लालसा को बढ़ा दिया था, सभी राष्ट्र लोकतंत्र की डिमांड करने लग गए थे, है ना। सेकंड पॉइंट तुर्की के द्वारा, अब क्या जो तुर्क है आपका यहां पर क्या होते राजतंत्र है, थोड़ा सा क्या होते आपका मोनार्की तरीके से, तो उस मोनार्की में जो राष्ट्रवाद का जो बेसिक क्या होते विचार उसको दबा दिया गया, है ना। साथ साथ ये स्थिति निरंतर कमजोर स्थिति चलती रही। ऑस्ट्रिया एवं रूस के द्वारा बाल्कन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास, ऑस्ट्रिया और रूस इन दो क्षेत्रों द्वारा क्या किया गया, कंट्रोल करने की कोशिश की गई। साथ साथ जो रूस की क्या होती है महत्वाकांक्षा थी, वह महत्वाकांक्षा आपकी ब्रिटेन में कंट्रोल करने की कोशिश की, फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन के अभियानों के पश्चात बाल्कन क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना का उभार हुआ है, ठीक है, बाल्कन क्षेत्रों में, और यूनान सर्बिया इत्यादि क्षेत्रों में स्वतंत्र राष्ट्रों की मांग हुई है। मतलब अब राष्ट्रवाद की लहर हर यूरोपीय राष्ट्र में आ चुकी है और वह लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं अपने राष्ट्र में, है ना। विशेषकर 1820 के दशक में यूनान में आंदोलन भी हुआ, ये आपका यूनान है, क्या हो रहा है कि राष्ट्रवाद की जो लहर है वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यहां पर कुछ विद्रोह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप तुर्की द्वारा आंदोलन का कठोरता दमन किया जाता है। तुर्की में जो आंदोलन हो रहे हैं वहां पर भी क्या होते हैं, जो वहां के राजतंत्रात्मक राजा है वो वहां के आंदोलन का दमन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें लोकतंत्र राष्ट्र में आ गए। तो ये सारी चीजें एक प्रणाली में हो रही है, इसी रूसी सहयोग से 1832 में यूनान की स्वतंत्रता को, जैसे कि कुछ राष्ट्र हैं जो लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं वह अन्य राष्ट्रों में भी लोकतंत्र की स्थापना की मतलब हेल्प कर रहे हैं दूसरे राष्ट्रों के लिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी राष्ट्रों में एक असमंजस की स्थिति बनती जा रही है ना। ये आपका 19वीं शताब्दी का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक रहा है कि किस तरीके से अन्य राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की हेल्प कर रहे हैं उसको आजाद करने में, उसका लोकतंत्र बनाने में, ठीक है। साथ साथ भूमध्य सागर को जो जोड़ने वाली जल संधियां हैं, मान चलिए आपका भूमध्य सागर है, ये यहां पर कुछ जल संधियां बना रखी हैं दो राष्ट्रों के बीच में, तीन राष्ट्रों के बीच में, ठीक है। तो उन जल संधियों पर कुछ अधिकार बताए जा रहे हैं, कुछ संधियां की जा रही है, ये सारी चीजें मतलब राष्ट्र में क्या होती है कुछ हैपनिंग होने लगी है, ठीक है। और ये साथ साथ ये सारा परिणाम जो है आपका राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप आता है। जब राष्ट्रवाद की लहर आती है तो सभी राष्ट्रों में
अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्र को स्वतंत्र करने की मांग होने लगती है। अतः 1841 में ब्रिटिश दबाव में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। एक तरफ यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो दूसरी ओर रूस की नौसैनिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। अब क्या है कि इंग्लैंड में सम्मेलन हुआ और रूस को बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर दो चीजें साफ चल रही है कि अगर रूस मजबूत हो गया तो वह पूर्वी क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेगा, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो फर्स्ट फेज से आपकी फर्स्ट फेज में आपका एक भूमिका तैयार हो रही है, वह भूमिका धीरे धीरे चल के आपकी सभी राष्ट्रों में फेस बाय फेस आपको दिखाई पड़ेगी। ये आपकी क्लास थी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको उसमें थोड़ा कुछ चीजें समझाई कि राष्ट्रवाद का कैसे जो तानाशाही शक्तियां हैं या राष्ट्रवाद शक्तियां कैसे राष्ट्रवाद का दमन कर रही है, और जो लोकतंत्र के समर्थक देश है वह कैसे अन्य देशों को भी हेल्प कर रहे हैं उनको आजाद करने में, उनके देश में लोकतंत्र स्थापित करने में, ठीक है। ये सारा जो प्रक्रम है यह लंबे समय तक चलता रहता है और अंततः जीत लोकतंत्र की होती है ना। कुछ क्षेत्रों में हालांकि आपका समाजवादी व्यवस्था आने लगती है लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था वो लगती है, इसमें कई सारे युद्ध होते हैं, कई सारे घटनाक्रम होते हैं। ये सारे घटनाक्रम आपको मैं धीरे धीरे फेस बाय फेस आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, एग्जाम में भी आपका इसके यूनिट पूरी है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।